आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले आंवला नवमी के दिन महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की थी और उसके नीचे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके विषय में जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती पर आई और धरती पर आकर उनके मन में एक इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, किंतु दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए असंभव था। अब वो सोच रही थी तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को तो बेलपत्र बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी जी, और आंवले में इन दोनों के ही गुण उपस्थित हैं, अर्थात ये दोनों को ही प्रिय है। ऐसा विचार कर उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करवाया, विष्णु जी को और शिव जी भगवान को दोनों को भोजन करवाया और फिर स्वयं भी भोजन किया। मान्यता है कि तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके पास बैठकर ही भोजन करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से घर परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ निरोगी रहते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी का व्रत विशेषकर महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति की कामना से किया जाता है, लेकिन कोई भी कुंवारी कन्या और कोई भी मनुष्य आंवला नवमी की पूजा कर सकता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली तीन पौराणिक कथाएं। इनमें से पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आमलिया था और उसका नित्य नियम था कि वो हर दिन सोने के एक मन आंवले लोगों को दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। राजा के द्वारा इतना सोना दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधु दोनों बड़े ही परेशान रहने लगे। एक दिन राजा की पुत्रवधु ने अपने पति से कहा कि यदि इसी प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहे तो सारा राजकोष तो खाली हो जाएगा, फिर हम लोगों को क्या मिलेगा। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकल जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न कर पाने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिस्पर्धा देखकर भगवान ने राजा को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जहाँ पर तुम रुके हो वहीं पास में ही आंवले का एक वृक्ष है, इससे तुम्हें हर दिन स्वर्ण के आंवले प्राप्त होंगे जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो उसने अपने सामने सोने के आंवले का पेड़ देखा। यह देखकर वो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। अब उसने पहले की भांति हर दिन एक मन सोने के आंवले का दान करना प्रारंभ कर दिया और फिर कुछ समय बाद उस राजा ने जंगल में ही महल बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां पर उसने एक बहुत सुंदर नगरी भी बसा ली। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया था वो राज्य उससे जाता रहा और उसकी हालत बहुत बदतर हो गई। धीरे धीरे वह एक भिखारी बन गया। भिखारी बनने के बाद जब उसके पास खाने पीने का कोई सामान बाकी नहीं रहा तो वह इधर उधर जाकर भिक्षा में जो कुछ मिलता उसे खाकर ही अपना गुजारा करता रहा। भटकते भटकते वो अपने पिता की नगरी के पास पहुंच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधु को पहचान लिया और उनको ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांग ली। तब राजा रानी ने भी अपने पुत्र और बहू को क्षमा कर दिया। इसके बाद वे सभी सुख से रहने लगे। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में कभी फिर दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में काशी नाम की नगरी में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था, किंतु उस वैश्य की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन दोनों ने बहुत ही उपाय किए, परंतु उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिल पाया। फिर एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि अगर तुम संतान प्राप्ति की कामना से भैरव बाबा को किसी बालक की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य ने जब ये सुना तो उसने साफ मना कर दिया।
कि मैं किसी बालक की बलि नहीं दे सकता, किंतु उसकी पत्नी ने सुनकर मन ही मन ऐसा करने की ठान ली। वैश्य ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसकी पत्नी सुनने को तैयार न हुई। और एक दिन अवसर पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि चढ़ा दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागीदार बन गई। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कोड हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या और बालक हत्या बहुत ही बड़े अक्षमीय अपराध हैं। तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए गंगा नदी के तट पर जाकर तपस्या करनी होगी। वैश्य की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। वहां जाकर उसने गंगा जी के तट पर स्नान किया। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही रोग मुक्त हो गई। बाद में उसके पति ने भी उसको स्वीकार कर लिया। भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो गया। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन सुनी गई कथाओं का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब आप भगवान गणेश जी की कथा भी जरूर सुनते हैं। भगवान गणेश के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक बालक गणेश जी से मिलने की इच्छा लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब मैं गणेश जी के दर्शन करके ही घर वापस आऊँगा। इस प्रकार चलते चलते वो बालक एक जंगल में पहुँच गया। उस जंगल में भी बिना डरे बिना रुके वो बालक सिर्फ गणेश जी से मिलने की इच्छा से मन ही मन आगे बढ़ने लगा। उस बालक की भक्ति और दृढ़ता देख कर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए गणेश भगवान जी उस बालक से पूछने लगे, अरे बालक, तू इस वन में किसको ढूंढ रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मुझे गणेश जी से मिलना है और उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए गणेश जी ने उस बालक से कहा कि मैं ही विनायक गणेश हूँ, मांगो, क्या मांगना है? किंतु जो भी मांगो एक बार में ही मांग लेना। अब बात सुनकर उस बालक ने पहले तो गणेश जी भगवान को प्रणाम किया और फिर कहने लगा, पिता की आमदनी से रखे हाथी की सवारी करूं, मुट्ठी से परोसे दाल चावल, खेत खलियान, जरी के कपड़े, हीरे मोती के गहने और सुंदर सी पत्नी। गणेश जी समझ गए कि ये बालक बहुत चालाक है, किंतु वो उस पर बहुत प्रसन्न थे और उसे मन चाहा सब कुछ दे दिया। इस प्रकार सच्चे मन से जो भी भक्त आंवला नवमी के दिन भगवान गणेश और आंवला नवमी की कथाएं सुनता है, उनके घर में कभी किसी सुख की कोई कमी नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना